धरती पर सांप एक आकर्षक और आसानी से हर क्षेत्र में पाया जाने वाला प्राणी है। दोस्तों, हमारी दुनिया में 2500 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 500 की करीब जहरीले होते हैं। और इन्हीं 500 में से मैं आपको दुनिया के 5 सबसे जहरीले सांपों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। 5वें नंबर पर है टाइगर स्नेक। ये सांप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला बेहद जहरीला सांप है। इसके अंदर बहुत पावरफुल न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। इसके काटने के बाद प्रेसनेप्टिक इंजेक्शन भी बेकार साबित हो जाता है और शरीर में पक्षाघात हो जाता है। एंटीवेनम लगाने से जान बच जाती है, लेकिन समय पर और जल्दी लगाना आवश्यक है। ये काटने के 7 मिनट के भीतर ही इंसान की मौत हो सकती है। फिर भी ये सांप इंसानों के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इंसानों की सामना होने पर ये सांप भाग जाते हैं। लेकिन कभी कभी इनका सामना इंसानों से होता है और ये किसी कोने में फंस जाता है और इनके पास भागने कोई चांस नहीं होता है, तब ये इंसान को काट लेता है। और उस इंसान को सही समय पर ट्रीटमेंट ना मिला तो उसका मौत हो जाती है। नंबर 4, इंडियन क्राइट। इंडियन क्राइट सांपों की एक जहरीली प्रजाति है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। भारत के सबसे जहरीले 4 सांपों में से इंडियन क्राइट सबसे अधिक जहरीला सांप है। सफ़ेद धारियों वाला ये सांप भारत, बांग्लादेश एवं दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। ये सांप आमतौर पर काले या नीले रंग का होता है। ये सांप ज़्यादातर रात के समय में निकलते हैं और ये काटने पर दर्द नहीं होता है। इस कारण इंसान को पता ही नहीं चल पाता कि उसे सांप ने काटा है। इसके काटने पर इंसान को पक्षाघात के साथ पेट में गंभीर इंटान की शिकायत होती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। इंडियन क्राइट के काटने के बाद सही समय में उपचार ना मिला तो लगभग 4 से 8 घंटे में इंसान की मौत हो जाती है। नंबर 3, इनलैंड टाइपन। ये सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इनलैंड टाइपन ऑस्ट्रेलिया के कम वर्षा वाले स्थानों में पाया जाता है। ये एक बार में 100 मिलीलीटर जहर छोड़ता है, जो कि 100 इंसानों को मौत की नींद सुला सकता है। इसके काटने पर कोई भी जीव 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रह पाता। ये सांप सुनसान इलाकों में रहता है और शांत स्वभाव के होते हैं, और ये सांप इंसानों के बस्तियों से बहुत दूर रहना पसंद करते हैं। अगर इसका इंसानों की आमना सामना होता है तो ये तुरंत वहाँ से भागने की सोचती है। इसलिए इसका काटे जाने वाले घटनाएँ बहुत कम है, पर यह बहुत जहरीले होते हैं। नंबर 2, ब्लैक माम्बा। ये सांप अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। ये सांप बहुत ही जहरीले होते हैं। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम जहर पाया जाता है। इसके काटने के बाद 30 मिनट में इंसान की मौत निश्चित है। अगर कोई गलती से इसके पास चला जाए या इन्हें परेशान करने लगे तो इससे बचना मुश्किल है, क्योंकि ये काफ़ी गुस्सेल प्रवृत्ति के होते हैं। ये सांप काफ़ी तेज़ी स्पीड से भागने में एक्सपर्ट होते हैं, जो 1 घंटे में 20 किलोमीटर के ज़्यादा से रफ्तार से दौड़ते हैं। ये सांप 400 मिलीग्राम तक जहर इंसान के शरीर में छोड़ता है। ब्लैक माम्बा का जहर इतना घातक होता है कि इसका जहर की सिर्फ एक बूंद ही किसी की जान लेने में काफ़ी होता है। अगर कोई बच जाए तो वो इंसान जिंदा लाश बनकर रह जाता है, क्योंकि वो पैरालाइज्ड हो जाता है। इसके काटने के 1/2 घंटे के अंदर इलाज नहीं मिले तो वो बचना मुश्किल है। नंबर 1, बेल्चर सी स्नेक। ये सांप साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाया जाता है। ये सांप इस संसार का सबसे जहरीले सांपों में से एक है। ये सांप के जहर के कुछ मिलीग्राम बूंदे ही 1000 इंसानों के मौत के लिए पर्याप्त है। ये समुद्र में रहने के कारण ये इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन मछुआरे ही कभी कभी मछली पकड़ते वक्त इसका शिकार बन जाते हैं। ये सांप बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और ये समझदारी से और खतरा महसूस होने पर ही काट लेते हैं। ये सांप पानी में ही रहना पसंद करते हैं। ये ज़मीन पर ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।